अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फैक्ट्री ऑफिशियल चैनल में आप तमाम भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म होती हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है, ये आपकी जितनी भी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जितनी बीमारियाँ हैं, अब आप बीमारियाँ गिन लें। सबसे पहले आपकी मर्दाना कमज़ोरी यानी मनी में कमी आ जाती है, ठीक है, अज़ू में सख्ती नहीं आती, टाइमिंग की कमी हो जाती है, मनी में पतलापन आ जाता है, मनी के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। ये तमाम पाँच की पांच बीमारियां जो हैं, इनका इलाज सिर्फ एक दाने के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक दाना। ये दाना आपने कहां से लेना है और क्या करना है, इसको किस तरीके के साथ बना के खाना है, इसके दो तीन तरीके हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और आप दिल थाम कर बैठे, इंशाल्लाह इस एक दाने से आपका इलाज मैं आपको यहीं पर बैठे बैठे आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि फिटनेस फैक्ट्री ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। आप चलते हैं, देख लेते हैं क्या चीज है। अब आप देखें, आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज लेनी है मार्केट से, आपने छिलके के बगैर भुने हुए चने लेने हैं, ठीक है। इसके मैं तीन तरीके आपको बताता हूं, बेहतरीन तरीके। ये कोई भी नुस्खा आपको इस्तेमाल करने की, मैं कसम खाता हूं कि आपको कोई इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी जिंदगी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, इसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह होता है कि आप भुने हुए चने लेकर आए और उसको वक्तन फवक्तन खाते रहें, यानी चलते फिरते उठते बैठते आप खाते रहें, ठीक है, थोड़े थोड़े करके जेब में डाल लें वो खाते रहें, एक ये तरीका होगा। दूसरे नंबर पर आपने रात को पानी में भिगोकर मुट्ठी भर चने पानी में भिगोकर रख देने हैं और सुबह उठकर चने खा लेने हैं और ऊपर से वो पानी जो आपने जिसमें भिगोया हुआ होगा वो आपने ऊपर से पी लेना है, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये होगा। अब तीसरा देख लें कि भुने हुए चने जो हैं वो आपने पीस लेने हैं पाउडर की तरह, बिल्कुल पाउडर उनको कर लेना है, मतलब किसी ब्लेंडर वगैरह या ग्राइंडर में डालकर उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। वो जब पाउडर बन जाएगा उसको आपने उतार लेना है और जितना आपने पाउडर बनाया होगा उसके निस्फ यानी जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतनी उसके अंदर शक्कर मिला दें। शक्कर मिलाने के बाद उसको मिक्स करें और उसके अंदर एक या दो चम्मच आपने सफेद तिल के डालकर उसको भी मिक्स करके आपने वो आपने खा लेने हैं, एक एक चम्मच करके सुबह दोपहर शाम आप खाते रहें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, गारंटी देता हूं, ये तीन नुस्खा जात तीन मुख्तलिफ तरीकों के साथ अगर आप इस्तेमाल कर लें तो किसी भी किस्म की चीज खाने की आपको जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी, घोड़ा तो पीछे रह जाएगा, मतलब इससे भी ज्यादा ताकत आपके जिस्म में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है चने जो है वो घोड़े की खुराक है, घोड़े जैसी ताकत आपके अंदर आ सकती है, यानी मनी भी आपकी ज्यादा मिकदार में बनेगी, उसके अलावा उसमें जरासीम भी पैदा होंगे, आपके अज़ू में टाइटनेस इंतहाई सख्ती आपके अज़ू में आ जाएगी, आप बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा आपसे, ठीक है। और दूसरे तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपकी मर्दाना कमजोरी खत्म करेगा, आपकी आसाबी कमजोरी खत्म करेगा, पठों को ताकत देगा, अज़ू में सख्ती लाएगा, ये तमाम बीमारियां जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी और जब मनी गाड़ी होगी तो आपकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ और पूरी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इन तीन तरीकों से किसी एक तरीका भी आप पकड़ लें, आप उसको इस्तेमाल करें, एक माह तक आप मुतवातर इस्तेमाल करके देखें, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए, अगर फायदा ना हुआ तो जो आप जुर्माना कहेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो मैं मिलता हूं कल इस तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ, वहां में याद रखिएगा इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें, अपनी नेक नियति के साथ शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, अगर आपकी वजह से एक बंदे को भी शफा मिल जाती है तो यकीन करें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो इस वीडियो को भरपूर शेयर करें, मैं मिलता हूँ कल इस तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।